प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने वाले हैं जिसने पैदा होते ही बोलना शुरू कर दिया, यानी दूध पीते बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया, जिसको देखकर डॉक्टर्स भी हैरान और परेशान हो गए। ये सब कैसे और कब पेश आया, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसराइल में एक नेक बुज़ुर्ग रहा करते थे जिनका नाम जरीज था। वो इंतहाई साले और इबादत वाले इंसान थे। उनकी नेकी और इबादत का दूर दूर तक चर्चा था। जब भी कोई मुश्किल मसला दरपेश होता तो लोग उनकी खिदमत में हाजिर होते और उनसे मशवरे लिया करते। मुश्किलात और तकलीफ़ों में उनसे दुआएं भी करवाई जाती थीं। बनी इसराइल के बुज़ुर्गों औलिया अल्लाह का तज़किरा जब भी आता है तो उसमें जरीज का नाम ऊपर होता है। उन्होंने इबादत की खातिर एक इबादत खाना तामीर कराया और वो अपनी इबादत और रियाजत में इस कदर मशगूल होते कि उन्हें दुनियावी मामलात का कोई ध्यान नहीं होता। उन्होंने कभी दुनिया के बारे में सोचा भी नहीं था, बस वो अल्लाह पाक को खुश रखने के लिए दिन रात उसकी इबादत में लगे रहते। एक दिन ऐसा हुआ कि जरीज की माँ उनके पास आईं। ये वक्त जरीज की इबादत का था और वो हसब मामूल इबादत में लगे हुए थे। माँ इबादत खाने के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को आवाज़ें देने लगी। जरीज ने जब माँ की आवाज़ सुनी तो इबादत के दौरान ही उनके दिल में ये बात आई कि ऐ अल्लाह, मैं अभी तेरी इबादत में लगा हुआ हूँ, तुझे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर मेरी माँ मुझे बुलाने चली आई है, क्या मैं नमाज तोड़ दूँ, इबादत से हट जाऊँ? इस नाजुक मौके पर मुझे क्या करना चाहिए? आया मुझे इबादत में ही लगे रहना चाहिए या इबादत तर्क करके माँ की बात सुननी चाहिए? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहें। बहरहाल वो इबादत में मशगूल रहे और माँ की आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ ने थोड़ी देर तक इंतज़ार किया, जब बेटे की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वापस चली गई। दूसरे रोज़ भी अल्लाह वाले की माँ इबादत खाने में आईं। उस वक्त भी जरीज अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। माँ ने उनका नाम लेकर पुकारा, लेकिन माँ की आवाज़ जब उनके कानों में पड़ी तो उनके दिल में ये बात आई कि ऐ परवरदिगार, ऐ आलम, मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुला रही है, समझ में नहीं आता क्या करूँ, इबादत छोड़कर माँ का जवाब दूँ या इबादत मुकम्मल कर लूँ। बहरहाल वो इबादत ही करते रहे, माँ की आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ कुछ देर तक इंतज़ार करती रही, फिर बेटे का कोई जवाब ना पाकर वापस चली गईं। मगर इस दफ़ा नाराज़ होकर उन्होंने बेटे को बद्दुआ दे दी कि ऐ अल्लाह, इसे उस वक्त तक मौत न दे जब तक ये किसी बद किरदार औरत का मुंह न देख ले। माँ के दिल से बद्दुआ निकल गई। बिलाशुबा बनी इसराइल के यहाँ जरीज एक इंतहाई परहेजगार शख्स थे, लेकिन माँ की बद्दुआ के बाद माहौल उनके खिलाफ होने लगा। लोग आपस में उनके बारे में बातें करते और उनकी इबादत का तस्करा भी करते। चंद लोगों में उनके खिलाफ हसद भी पैदा हो गया, चुनांचे वो उनको बदनाम करने की कोशिश करने लगे। एक मर्तबा उन दुश्मनों के पास एक औरत आई, यानी कि जो लोग जरीज को बदनाम करना चाहते थे उनके पास एक औरत आई। उस औरत ने उनकी बातें सुनी और देखा कि ये सब लोग जरीज के खिलाफ हैं, तो वो कहने लगी, तुम लोग कह रहे हो कि जरीज यहाँ के बड़े नेक बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, लेकिन मेरे लिए जरीज को बहकाना और उन्हें अपने हुस्न के जाल में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करते रहें। अगर तुम लोग मुझे इजाज़त दो तो मैं जरीज को बहका सकती हूँ और उन्हें अपनी तरफ माइल कर सकती हूँ, और इस तरह तुम्हें जरीज को रुसवा करने का मौका मिल जाएगा और वो लोगों में बदनाम हो जाएंगे। वो औरत निहायत खूबसूरत मगर बदचलन थी। सब लोगों को उसकी हकीकत मालूम थी। उस औरत को अपने हुस्न पर इतना नाज था कि वो जिसे चाहती अपने फितने में मुब्तला कर देती। इसलिए जरीज के हासिदीन यानी दुश्मनों के सामने उसने वादा किया कि वो किसी ना किसी तरीके से जरीज को अपने हुस्न के जाल में फंसा लेगी। चुनांचे वो बद किरदार तवायफ जादी जरीज के इबादत खाने के पास पहुंची और उन्हें अपने नाजो अंदाज से फंसाना चाहा, बहकाना चाहा। मगर जरीज वाकई एक नेक और सालेह इंसान थे।
उनके अंदर हमेशा खौफ खुदा रहता था, इसलिए वो दिन रात इबादत में लगे रहते। भला वो उस बदचलन औरत के जाल में कैसे फंस सकते थे? उस बदकरदार औरत ने तरह तरह से जरीज को बहकाना चाहा और अपनी तरफ मायल करना चाहा कि ये मेरे पास आए और मेरे साथ कोई गुनाह कर ले और लोगों में बदनाम हो जाए, मगर हजार कोशिशों के बावजूद भी वो अपने मकसद में नाकाम रही। शैतान कामयाब ना हो सका। जब उस बदचलन औरत ने देखा कि जरीज किसी तरह उसके काबू में आने वाला नहीं है, तो उसे बड़ा तैश आया, बहुत गुस्सा आया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करते रहें। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी शदीद तौहीन हुई है, क्योंकि अल्लाह वाले के पाकीज़ा अखलाक से उसको बड़ा धचका लगा कि मैं तो बड़े बड़े लोगों को बहका चुकी हूँ, ये कौन है जो मेरे जाल में फंस ही नहीं रहे हैं। ऐसे अल्लाह वाले से पाला पड़ा था जो रात की तन्हाई में भी, जबकि उन्हें कोई देख नहीं रहा था, अल्लाह से डरते हैं। उन्हें यकीन होता है कि बंदे की आंख से तो ओझल रहा जा सकता है, मगर अल्लाह से कोई राज पोशीदा नहीं रह सकता, जो दिलों के भेद भी जानता है। अब वो बदचलन औरत एक दूसरी चाल चलने लगी। वो एक चरवाहे के पास पहुंची। चरवाहा जरीज का इबादत खाने के आसपास बकरियां चराया करता था। औरत ने चरवाहे को फांस लिया और उससे अपना मुंह काला करवाया, जिससे उसे हमल ठहर गया, यानी उसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। कुछ वक्त बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो वो लोगों से कहने लगी, ये बच्चा जरीज का है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है और अब ये बच्चा वो कबूल करने से मना कर रहा है। लोगों ने उस औरत की बात सुनी तो वो आग बबूला हो गए और उसकी बात पर यकीन कर लिया। उन्हें मौका मिल गया, वो फौरन अल्लाह वाले के इबादत खाने में पहुंचकर तोड़ फोड़ करने लगे। जब लोगों ने जरीज को मारना पीटना शुरू किया तो जरीज कहने लगे, भाइयों मुझे ये तो बताओ, आखिर तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो, वजह क्या है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लोगों ने कहा, तुमने इस बद किरदार औरत से मुंह काला किया है, इसने तुम्हारा बच्चा जन्म दिया है। जरीज ने कहा, मैंने जिना नहीं किया है, ये मुझ पर एक बहुतान है, इल्ज़ाम है, सरासर झूठ है, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। मगर उनकी तरफ से लाख सफाई के बावजूद भी लोग उनको बेगुनाह तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जरीज का इबादत खाना तोड़ दिया, दीवारें गिरा दी। जब जरीज ने देखा कि लोग उनकी पाकीजगी तस्लीम करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है, तो उन्होंने लोगों से कहा, तुम बच्चे को मेरे पास लाओ, वही मेरी बरात का इकरार करेगा, यानी वही बताएगा कि मैं उसका बाप हूँ या नहीं। वो बच्चा उनके पास लाया गया। कमसिन बच्चा था, शीरख्वार बच्चा था, अभी बोल नहीं सकता था। वो बच्चा उनके पास लाया गया तो उन्होंने कहा, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। चुनांचे उन्होंने नमाज पढ़ी। नमाज से फारिग होकर बच्चे के पास आए और पूछा, बच्चे तेरा बाप कौन है? बच्चा बोला, फला चरवाहा मेरा बाप है। लोग हैरानगी से देख रहे थे कि बच्चा जो बोल नहीं सकता था, इसने किस तरह बता दिया, किस तरह गवाही दे दी कि इसका बाप कौन है। हर आंख ने मंजर देखा कि दूध पीते बच्चे ने जरीज के बेगुनाह होने की गवाही दे दी और उनकी नज़र में जरीज की अहमियत और इज्जत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। और जो हासिदीन थे, जो दुश्मन थे, उनको वहाँ से मार मार कर भगा दिया गया, यहाँ तक कि उस औरत को भी जिसने उन पर गंदा इल्ज़ाम लगाया था। अब लोग जरीज के सामने माजरत पेश करने लगे और उनके हाथों का बोसा लेने लगे। उन्होंने जरीज से कहा, हम आपका इबादत खाना सोने का बना देते हैं, क्योंकि आप तो इस काबिल हैं, अल्लाह के इतने प्यारे बंदे हैं, अल्लाह वाले हैं, हमने आप पर फालतू ही शक किया और हम चाहते हैं कि अब इस इबादत खाने को, जो कि टूट फूट चुका है, हम तोड़ फोड़ चुके हैं, इसको हम सोने का बनवा दें। तो उन्होंने कहा, नहीं, मेरे इबादत खाने को सोने का बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जैसा पहले मिट्टी का था वैसा ही बना दो। चुनांचे लोगों ने उनके इबादत खाने को पहले की तरह तामीर करा दिया। तो ये होते हैं अल्लाह वाले, जिनकी गवाही एक दूध पीते बच्चे ने दी। बस एक मामूली सी गलती हुई कि माँ की बात का जवाब नहीं दिया और दुनिया में ही पकड़ हो गई।
फिर बाद में माँ ने भी कहा कि मैं गलत थी। कभी भी माँ बाप को इस तरह अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।